गायनेकोलॉजिस्ट एट सिटी हेल्थ केयर। आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि 18 जून को हम लोगों ने डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट रखा है। हम लोग हमेशा पेशेंट्स की केयर के लिए काम करते हैं, उनके अच्छे के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर भी सोसाइटी में कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के प्रति रोष है और हर दिन कहीं ना कहीं एक वायलेंस का मामला सामने आता है। तो उसी के अगेंस्ट हम लोग आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बाबा रामदेव ने जो डॉक्टर्स के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसके अगेंस्ट आज हमारा ये प्रोटेस्ट है। इसलिए आज ओपीडी जो है 2 बजे तक बंद रहेगी। हम जनता को ये जताना चाहते हैं कि हम आपकी ही सेवा के लिए यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन आपका सहयोग मिलेगा तभी हम लोग कुछ आगे काम कर पाएंगे, नहीं तो हमें अपने प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा बजाय कि पेशेंट्स की सेफ्टी के और ट्रीटमेंट के। तो प्लीज़ आप हम लोग को इतना मजबूर ना करें कि हम लोग जो हैं पेशेंट से पहले अपने परिवार के बारे में सोचने को, अपने बारे में सोचने को मजबूर हो जाएं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जैसे जिस सेवा भाव से हम आपके सेवा करते हैं उसी तरह से आप हमें रिस्पॉन्स देंगे तो हम भी अपना कार्य जो है अच्छी तरह से कर पाएंगे। और बाबा रामदेव से मैं यही कहना चाहूँगी कि नो डाउट कि योगा आयुर्वेदिक मेडिसिंस अच्छी हैं, लेकिन कहीं कहीं एलोपैथी के अलावा इलाज हो नहीं सकता। हम ये चाहते हैं कि आयुर्वेदा और एलोपैथी दोनों साथ में चलें ताकि जो है लोगों को दोनों का बेनिफिट मिल सके। हम एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ के किसी को भी इसमें बेनिफिट नहीं है, मतलब दोनों अगर साथ में चलेंगे तो ज़रूर हम लोग को मतलब जनता को बेस्ट ट्रीटमेंट देने का मौका मिलेगा। थैंक यू। मैं डॉक्टर संजय गर्ग, लालगढ़िया हॉस्पिटल सिरसा का संचालक। आज हम नेशनल हेडक्वार्टर की तरफ से और स्टेट हेडक्वार्टर की तरफ से हमारा रोज प्रदर्शन चल रहा है, जो बेसिकली 2 चीज़ों के लिए है, जिसमें एक तो हमारे जो डॉक्टरों पे असाल्ट हो रहे हैं, जो मारपीट हो रही है डॉक्टर्स के ख़िलाफ़, या अटेंडेंट्स जब पेशेंट की किसी की मृत्यु हो जाती है या उसमें कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो डॉक्टर्स को दोषी मानते हैं और वो डॉक्टर पे असाल्ट करते हैं, डॉक्टर से मारपीट करते हैं, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करते हैं, जबकि इसमें डॉक्टर्स का कोई रोल नहीं होता। ये एक भगवान की नियति है, डॉक्टर अपनी तरफ से अपना पूरा प्रयास करता है और उसके बावजूद भी पेशेंट के साथ अनहोनी हो जाती है, तो इसका मारपीट कोई समाधान नहीं है। कहीं पे भी आप देखोगे, किसी भी डिपार्टमेंट में कुछ भी होता है, आज अगर मान लो पुल गिर गया, जिस ठेकेदार ने बनाया है तो उसके ऊपर कोई मारपीट तो नहीं होती ना। हाँ ठीक है, आपको अगर आप असंतुष्ट हो तो आप लीगल कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हो। गवर्नमेंट ने इतने सारे ला बना रखे हैं, इतना सारा कुछ कर रखा है, आप कोर्ट में जा सकते हैं और कहीं पे भी जा सकते हैं, अपनी शिकायत कर सकते हैं और लीगल एक्शन से जो काम हो वो करिए। हमारा सरकार से ये है भी जो ये मारपीट होती है या जो हॉस्पिटल में तोड़फोड़ होती है उसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट कानून बनाया जाए भी, और जनता में मैसेज जाना चाहिए भी ये ऐसे है भी, हम ये काम करेंगे तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार होगा, कानून की तरफ से हमको जेल हो सकती है और हमारे साथ और भी कुछ गलत तरीके का व्यवहार हो सकता है। एक तो हमारा ये, इसकी वजह से हमारा जो विरोध प्रदर्शन है। दूसरा, हम ये जो दूसरा रोष प्रदर्शन है वो ये हमारा बाबा रामदेव के खिलाफ है। हमारा, हम किसी भी पैथी को, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथी हो, मॉडर्न साइंस हो, किसी के खिलाफ हमारा कोई भी गलत विचार नहीं है। सब पैथी अपने आप में बढ़िया हैं, सब इलाज करें अपनी पैथी से, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंट की जिस पैथी में इच्छा हो वो अपने आप में स्वतंत्र है, भी हम वहाँ पे जाके अपना इलाज कराना चाहते हैं। मेरे पास भी मरीज आते हैं, भी हमने आयुर्वेदिक के इलाज कराया तो हम ठीक है, आप आयुर्वेदिक से इलाज कराओ, अगर मेरे से करवाना चाहते हैं तो हमारी ये दवाई है, उनकी वो दवाई है, आप स्वतंत्र हो इस चीज़ में। पर लाला रामदेव, बाबा रामदेव जो ये कर रहा है,
जो हमारे खिलाफ जो उसके गेस्चर है, जो वो हमको ये कहता है मीडिया पे, कहता है डॉक्टर का मतलब टर 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 टर, टीचर के लिए बोलते हैं टीचर, मतलब चाहे चलो। तो ये उनका जो लैंग्वेज है, जो एक साधु महात्मा वो अपने आप को स्वामी कहता है, स्वामी का क्या मतलब होता है अपने, अगर वेद देखते हैं, पुराण देखते हैं, गीता देखते हैं, संत का मतलब क्या होता है? जो किसी के खिलाफ गलत ना बोल ले, जो शांत स्वभाव का हो, जिसके मन में किसी के प्रति दुर्व्यवहार ना हो। पर वो तो सरेआम मीडिया के में ये कहता है भी 1000 डॉक्टर वैक्सीन लगवा के भी कोरोना में उनकी मौत हो गई, डॉक्टर की मौत होने पे वो खुशी बना रहा है, जबकि डॉक्टर ने अपनी जान की आहुति दी है। आज अगर बॉर्डर पे कोई सैनिक लड़ाई कर रहा है दूसरे देश के साथ और उसकी मौत हो जाए तो हम खुशी बनाएंगे? डॉक्टर ने मेहनत की और अपने आप को उसमें झोंका। आज अगर कोरोना के पेशेंट के बारे में बात करते हैं तो उसके अटेंडेंट, उसके घर वाले भी उसके पास जाने से कतराते हैं, जबकि डॉक्टर और डॉक्टर का स्टाफ उसके बीच में 24 घंटे रह के उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका उपचार कर रहे हैं। अगर बाबा रामदेव जी को ये लगता है भी एलोपैथी या मॉडर्न साइंस बेकार है, तो मेरा ये मानना है भी वो हर जिला में औषधालय खोलें, आयुर्वेदिक औषधालय खोलें, और वहाँ पे आयुर्वेदिक जो भी BMS है, MS है, उनको वहाँ पे डेप्यूट करें, वहाँ पे उनकी लगाए ड्यूटी, और सारे के सारे कोरोना पीड़ित व्यक्तियों का वो इलाज करें। अगर वहाँ पे उनको इलाज, अगर पेशेंट को, मरीज को इलाज जहाँ पे बढ़िया मिलेगा वहाँ पे जाएगा। अगर उनको लगता है भी हमारे आयुर्वेदिक तरीके से अच्छा इलाज हो रहा है, बाबा रामदेव के अस्पतालों में अच्छा इलाज हो रहा है, तो वो हमारे पास बट नेचुरली अपने आप ही नहीं आएगा, क्या जरूरत है उसको? वहाँ पे वो इलाज करें, वहाँ पे उनकी देखभाल करें, अपने डॉक्टरों को लगाएं, फिर वो बोले भी हाँ हमारी पैथी अच्छी है। हम नहीं कह रहे, कोई भी आप मॉडर्न साइंस का डॉक्टर या एलोपैथी का डॉक्टर, आपने किसी का भी एक स्टेटमेंट सुना दो भी जिसने ये बोला हो भी आयुर्वेदिक पैथी गलत है, यूनानी पैथी गलत है या होम्योपैथी गलत है, कोई भी नेशनल लेवल का हमारा प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, कोई भी ये कमेंट नहीं देता है, जबकि बाबा रामदेव जी ये कमेंट दे रहे हैं। और वो क्यों दे रहे हैं अपने को भी पता है, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट चलाने हैं। हम लोग पेशेंट को खुद कहते हैं भी आप योगा करो, आप वॉक करो, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करो, हम खुद कहते हैं भी आपका शरीर स्वस्थ रहे। हम उसके खिलाफ नहीं है, कभी भी नहीं है, क्योंकि ये हमारी प्राचीन संस्कृति है। पर वो जो ये कमेंट करते हैं, ये बिल्कुल बेहुदा कमेंट है उनका, और उसके लिए उनको हमारी सरकार से, प्रशासन से सबसे ये मांग है भी उनके खिलाफ केस दर्ज हो और उनको जो भी कोर्ट का फैसला उसके अनुसार से उनको सज़ा मिलनी चाहिए। महामारी के एक्ट के दौरान जब ये कहते हैं भी मैं वैक्सीन, जब ये कहते हैं भी आप कोरोना के बारे में कोई भी गलत आप ये नहीं कहोगे भी या मेरी दवाई से लोगे आपका कोरोना ख़त्म हो जाएगा, ये दवाई लोगे कोरोना ख़त्म हो जाएगा, जब आप ऐसा नहीं बोल सकते और वो ये सरेआम कहते हैं भी मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, जबकि गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन पे इतना ज़्यादा फोकस है, और जबकि ये WHO से भी हो चुका, सब जगह से भी होगा, जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन होगी उतना ज़्यादा हम इस महामारी पर कंट्रोल पाएंगे। और वो सरेआम कहते हैं भी हम वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे या वैक्सीनेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, और फिर भी सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है। तो ये हमारा रोज प्रदर्शन अभी 4 दिन का था, 15, 16, 17 को 2 घंटे हमने OPD रखी बंद थी, और आज हमारी सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक OPD बंद है। इमरजेंसी सेवाएं हमारी सुचारू रूप से चालू है, जो मरीज़ भर्ती हैं हम उनकी पूरी देखभाल कर रहे हैं। 2 बजे के बाद से जो मरीज बैठे हुए हैं हमने उनको बोला है भी हमारा ये रोज प्रदर्शन है, 2 बजे के बाद हम आपको देख लेंगे, जिससे उनको कोई परेशानी ना हो। थोड़ा बहुत तो उनकी परेशानी है भी, जो बाहर से आए हैं उनको 2-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा है, पर हमने उनसे रिक्वेस्ट की है, हाथ जोड़ा है भी हमारा ये रोज प्रदर्शन है स्टेट IMA का, नेशनल IMA का, तो वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, और वो 2 बजे के बाद से हम OPD अपनी शुरू करेंगे। धन्यवाद।